और गुरु जी, मैं दिन रात काम करता हूँ, मामा बाबा की कृपा से मुझे कभी बैठने को एक दिन भी एक घंटे भी बैठने की चिंता नहीं है। सिर्फ यही है कि मेरे पैसे सब खर्च हो जाते हैं। हाँ, ये ठीक काम है, खर्चा नहीं करोगे तो कहाँ से फिर जो है। मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, माँ बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा की कृपा से मुझे छठवां लेवल मिला अभी, और इससे पहले मैं बहुत 95 से गुरुजी तपस्या कर करके मैं थक गया था। घर में 50-50 दिन बंद होके जप करता था, टूट चुका था, बीमारियों का घर बन चुका था। आपसे मिला गुरुजी, तब से मुझे उम्मीद जागी कि मुझे ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। गुरुजी, मुझे ईश्वर प्राप्ति करा दीजिए। वही तो एक एक कदम बढ़ रहे हो, वही तो एक एक कदम बढ़ रहे हो आगे। आज तभी तो लेवल क्रॉस करते चले जा रहे हो दना दना। आज जो मेरे मन में था गुरु जी ने आपने सब बता दिया। अच्छा, ये जो न्यूज टीवी पे बैठे हैं ना ढोंगी लोग, जो सनातन के जो माम मंडल दुश्मन है वो, और वो सब मुझे अभी मालूम पड़ गया, वो सब ठग है। मैंने तपस्या करके सब देख चुका हूँ। बिल्कुल बेटा, अभी मुझे उम्मीद जागी है, मुझे अब आप सब कर पाएंगे, सब कर पा रहे हैं। आपका जप तप पूजा पाठ अब सब अच्छा है, एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। जो भी संकल्प प्रार्थना करते हैं पूरा होता है जी। जो बाबा माँ से आप प्रार्थना संकल्प करते हैं पूरा होता है, वो आपके पास इतनी एनर्जी है। डीएनए में गुरुजी हमारे 5 लोग हैं, एक मेरा बड़ा लड़का है ना, यहाँ पे अभी भाग गया कल, और मैं अपने गांव में ना प्रचार के लिए जाता हूँ, तो लोग देखते रहते हैं, और मैं उनसे उन पर दया भी आती है गुरुजी कि उनके लिए। बिल्कुल दया करनी चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को, उन पे सहानुभूति रखनी चाहिए। हाँ जी, तो आज नहीं कल वो समझेंगे, जब उनका भी समय आएगा, उनका भाग्य खुलेगा, तो भोलेनाथ की शरण में वो भी आएंगे। और गुरु जी, मैं दिन रात काम करता हूँ, मामा बाबा की कृपा से मुझे कभी बैठने को एक दिन भी एक घंटे भी छुट्टी नहीं है। सिर्फ यही है कि मेरे पैसे सब खर्च हो जाते हैं। हाँ, ये ठीक काम है, खर्चा नहीं करोगे तो कहाँ से फिर जो है पैदा करोगे। देखिए, तमाम स्मृतियाँ भी सबकी नष्ट हो गई, ये स्मृतियाँ भी थी डीएनए में, ये सब नष्ट हो गई। लीवर में इन्फेक्शन था, एंजाइटी होती थी, रात्रि में नींद आना, भूख अनियमित रहना, मूत्र त्याग करने में जोर लगाना, रुक जाना, यूरिन में इन्फेक्शन था, अनावश्यक भय की स्मृतियाँ थी, कार्य से अरुचि उच्चाटन कराने वाली स्मृतियाँ थी, यूरिन में इन्फेक्शन था, श्वास घुटन की स्मृतियाँ थी, जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी, किडनी श्रिंक हो रहा था, इन्फेक्शन था, यूरेटर में सूजन था, शरीर में कमजोरी लाने वाली स्मृतियाँ थी, MND की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, कोमा में ले जाने वाली स्मृतियाँ थी, रक्त दूषित था, ब्रेन में ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल में ट्यूमर की स्मृतियाँ थी, अर्धबेहोशी में रहना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, रक्त में, रेक्टम में, अंडकोश में, गले में और भोजन नली में। ऐसे स्मृतियाँ भी नष्ट हो गई तो है ना, कल एक महावन जरूर कर लेना ध्यान से। में कितने जन रहेंगे? जिसको शरीर में ज़्यादा कष्ट रहते हैं उसी को, बाकी नहीं। मिसेस में इनको रखना, इनको जरूर रखना, और एक लोग और रख लेना। और गुरु जी, जो मैं प्रचार के लिए, गुरु जी आजम, मैं आजमगढ़ से हूँ, प्रचार के लिए जगह जगह पे पोस्टर बनवा के चिपकाता हूँ, तो अपने गाँव में भी चिपकाता हूँ पहले से ही, और मुझे अपने गुरु जी पे बहुत श्रद्धा और विश्वास भी है। बिल्कुल बेटा, आंखें बंद करो जरा, ओम की वाणी में, चेहरे पे, नेत्रों में, और आकर्षण बढ़ा दें दरबार, और आकर्षण बढ़ा दें, कितना भी नकारात्मक सामने पर देखते सुनते प्रहार 5 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, 5 बार बोले, ओम नमः शिवाय, 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 बढ़िया करिए, आगे बढ़िए, खुश रहो बेटा।